तो आपने देखा डेहरी विधानसभा के लोगों का मन मिजाज, आरजेडी का पलड़ा भारी दिख रहा है। इस समय मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रत्याशी फतेह बहादुर। क्या किला फतह कर लेंगे? ये डेहरी विधानसभा की जो जनता है वो मूड बना लिया है कि डेहरी विधानसभा से ही नहीं पूरा बिहार से आरजेडी को यानी महागठबंधन को जिता करके विधानसभा में लोग भेजने का काम करेंगे। पूरी बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। क्यों बदलाव के मूड में है? नीतीश कुमार ने तो अच्छा काम किया है, बिजली, पानी, सड़क। कितना अच्छा काम किए हैं नीतीश कुमार जी, आप ये बिहार की जनता से ही पूछ लीजिए। उन्होंने बिजली, आप लॉकडाउन में देखे हैं जितने भी व्यवसायी हैं, सारा तो व्यवसाय बंद था, व्यवसाय बंद होने के बाद भी बिजली का बिल आया है, वो बिल कहाँ से आ गया? तो सारे व्यवसायी भी परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं, फुटपाथी दुकानदार भी परेशान हैं, और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने बेरोजगारी को लेकर अपने घोषणा पत्र में दिया है कि कैबिनेट के पहली बैठक में 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम। ये कौन सा फार्मूला है, जादू की छड़ी है उनके पास कि 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट की बैठक में नौकरी दे देंगे? 4.5 लाख तो पद रिक्त है, बाकी हम लोग मतलब कि इंडस्ट्री लगाएंगे, और हम लोग जो आप हर क्षेत्र में हर विभाग में एम्प्लाइयों का कमी है, जहाँ जहाँ एक नेता तो कहते हैं कि इंडस्ट्री तो आप लगाएंगे लेकिन अपहरण का इंडस्ट्री लगाएंगे, अपराध का इंडस्ट्री लगाएंगे। अपहरण और अपराध का ग्राफ निकाल कर देख लिया जाए कि विगत 15 साल पहले अपराध ज़्यादा होता था कि 15 साल के बाद अभी आज अपराध का ग्राफ ज़्यादा है। जो लोग बोल रहे हैं जंगल राज, वो जंगल राज नहीं था, वो गरीबों का राज था, और गरीबों को ही ये लोग जंगली बोलते हैं और उस राज को जंगल राज बोल रहे हैं। आपका चुनाव का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के उचित मूल्य पर खाद बीज पहुंचाना और बिजली और पानी का व्यवस्था करना, व्यवसायियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो उसके लिए सुविधा देना। व्यवसायी तो एनडीए का वोटर माना जाता है, आपके साथ आएगा? देखिए, व्यवसायी जो है किसी का वोटर नहीं है, या कोई भी जनता हो वो किसी का नहीं है, जो उनके लिए अच्छा काम करेंगे वो उनके साथ जाएंगे। फतेह बहादुर जिंदाबाद, फतेह बहादुर, फतेह बहादुर का मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला जो है भ्रष्टाचारी जो सरकार है उनसे है, जो हमारे फुटपाथी जो दुकानदार भाई हैं जिनको लाठी डंडा से पिटवाने का काम किया जाता है उनसे है, जो हमारे गरीब लोगों का, दलित लोगों का जो मतलब घर तोड़वा रहे हैं उनसे है, अति पिछड़ा का घर तोड़ा जा रहा है, जो लालू जी के राज में जो सरकारी जमीन में जो गरीब गुरबा जो आज तक बसे हुए हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। इस बार बीजेपी का उम्मीदवार जो है यादव समाज से है, क्या लगता है कि आरजेडी के पक्ष में यहाँ पर यादवों की गोलबंदी रह पाएगी? हमारा लड़ाई जो है यादव समाज से बिल्कुल है ही नहीं, हमारा लड़ाई जो है बिहार सरकार से है। यादव समाज आपके साथ है 100%? लेकिन किस उम्मीदवार से मुकाबला है, बीजेपी से है या कोई निर्दलीय से, या किससे लड़ाई, किससे? हमारा किसी से लड़ाई है ही नहीं। तो फतेह बहादुर का दावा है कि किला फतह करके दिखाएंगे, और जो डेहरी के विधानसभा क्षेत्र में हमने लोगों से ओपिनियन पोल किया
तो आरजेडी का पलड़ा वाकई यहाँ पर भारी दिख रहा है। का फोटो खिंचाने के लिए आइल बड़ा? हाँ हाँ प्यारे बंधु, लालो राबड़ी के 30 वर्षों से हमने वकालत किया, इस बार परिवर्तन की दिशा में मैं अपने विधायक युवा सम्राट फतेह बहादुर जी को यहाँ से डेयरी विधान से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजूंगा। जिंदाबाद फतेह बहादुर जीतेंगे, जिंदाबाद 100% जीतेंगे। डेहरी विधानसभा क्षेत्र के पूरे बिहार से रिकॉर्डेड वोट से जीतेंगे। आप बताइए क्यों जीतेंगे? इनका ऐसा क्रियाकलाप है, ऐसा ही लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब गुरुबे का, कि जितना इनको निश्चित है सारे गरीब बेरोजगार इनके साथ है। क्या नाम है बाबा? विकास पाल दरिहर। हाँ, तो कौन जीतेंगे? ये इनकी जीतेंगे, इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि गरीबों के हमेशा भलाई किए हैं या करते रहते हैं। चलिए श्री भगवान सिंह यादव। क्यों जीतेंगे यादव जी? पूरा महागठबंधन, पूरे बिहार में महागठबंधन का लहर है, डेहरी पूरे बिहार में मैसेज देगा, सबसे रिकॉर्ड वोट से जीता का हम लोग भेजने का काम करेंगे फतेह बहादुर जी को। जनता तो बहुत भरोसा जता रही है, फतेह बहादुर किला फतह करने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे? मैं विगत कईयों सालों से जनता के बीच में रहा हूं और जनता का हर समस्या का समाधान मैं करने का प्रयास करते आया हूं। मैं आज भी जनता के साथ हूं और कल भी मैं जनता के साथ रहूंगा, और जीत के बाद भी हम डेहरी विधानसभा की जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर विकास का काम करने का काम करेंगे। चलिए, तो ये वादा कर रहे हैं कि विधायक बनने के बाद भी विकास का काम करेंगे, आप बताइए। यादव समाज पूरे आरजेडी के साथ है, वो तेजस्वी को देख रहा है, किसी कैंडिडेट को नहीं देख रहा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहा है। भैया बहुत बहुत आभारी, हम यही चाहेंगे। आपकी समस्या? यादव समाज से बिलोंग करते हैं। भुट्टेजा नहीं? नहीं। क्या बात करते हैं भैया, हमको यहाँ लड़ाई किसी से है ही नहीं, हमको यहाँ किसी से लड़ाई है ही नहीं, हमको सीधे तेजस्वी को सीएम बनाना है, तो बनाना है। बहुत बहुत भारी मतों से बनाना है। तो आपने देख लिया, इनके समर्थक काफी उत्साहित हैं और फतेह अली के बहादुर को जीत को लेकर काफी आशान्वित हैं। उनका कहना है कि फतेह बहादुर किला फतेह करके रहेंगे। अब इनके दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फतेह बहादुर के पक्ष में डेहरी की जनता अभी गुलबंद दिख रही है। तो फतेह बहादुर किला फतह करेंगे, ये उम्मीद यहाँ की जनता को है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है, और पिछले 1.5 साल में 8 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 17 करोड़ लोगों ने देखा है। आप भी देखिए, चुनाव की हर खबर आपको मिलेगी।